ओके. नाउ नाउ वी सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम. ओके, इन थर्ड प्रॉब्लम द लाइन ए बी इज 65 mm लॉन्ग. ओके, हियर लॉन्ग लेंथ दी हुई है, मीन्स कि आपको ट्रू लेंथ दी हुई है. ट्रू लेंथ में डेटा L1 एंड L2. सो आई राइट दी गिवन डेटा. ओके, गिवन डेटा L1 65 mm. ओके ओके, दिस इज ऑल्सो L2, इवन इट्स L1 L2 65 mm. ओके, हैज इट्स एंड पॉइंट ए, तो एंड पॉइंट ए आपको 20 mm एबव बोला है HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP. आपको पता है एबव मीन्स ऊपर और इन फ्रंट मीन्स नीचे. ओके, और क्या बोला है ऑफ दी VP एलिवेशन लेंथ. ओके, एलिवेशन लेंथ आपको याद रखना है, एलिवेशन लेंथ बोला है मीन्स के फ्रंट व्यू लेंथ. एलिवेशन मीन्स फ्रंट व्यू एंड प्लेन लेंथ, तो प्लेन लेंथ प्लेन को आप क्या बोलते हैं टॉप व्यू. ओके, आप ये याद रखना, ये सिविल में जो वर्ड यूज़ करते हैं वर्ड यूज़ किए एक्चुअल में फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं और टॉप व्यू को प्लेन भी बोलते हैं. ओके, मीन्स प्लेन लेंथ मीन्स के टॉप व्यू लेंथ. ओके, ऑफ दी लाइन आर सम ऑफ इट्स. ओके, तो आपको ये दोनों फाइंड करना है, लेंथ सॉरी फ्रंट व्यू और प्लेन लेंथ ऑफ दी लाइन सम ऑफ दी एंड. यानी आपको यहाँ पे 50 mm लेंथ दी हुई है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, पर यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू का आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, वो फाइंड करना है. मीन्स L1 L2 आपको दिया हुआ है, दूसरा फ्रंट व्यू लेंथ इज इक्वल टू टॉप व्यू लेंथ. ओके, ये दोनों सेम है और कितनी है 50 mm. क्लियर? ओके, और क्या बोला है ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ दी लाइन. आपको लाइन ड्रॉ करनी मीन्स कि आपको टू लेंथ दी हुई है, टू लेंथ का एंगल नहीं दिया हुआ है. मीन्स आपको θ1 भी फाइंड करना है, θ2 भी आपको फाइंड करना है. ओके, और क्या फाइंड करना है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है मीन्स कि आपको 5-1 भी फाइंड करना है, 5-2 भी फाइंड करना है. ओके, फ्रंट व्यू एंगल टॉप व्यू एंगल. ओके, ये दो चीज़ आपको फाइंड करनी है. सेम चीज़ आपको θ1 और θ2, तो θ1 और θ2 आपको पता है एंगल विथ एंगल ऑफ एंगल ऑफ क्या आएगा HP. ओके, दिस इज योर एंगल ऑफ HP एंड दिस इज योर एंगल ऑफ VP. ओके, आपको ये दोनों फाइंड करना है नाउ. ओके, जब भी हम प्रॉब्लम ड्रॉ करते हैं आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, XY रेफरेंस लाइन. ओके, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, XY रेफरेंस लाइन. हियर आई ड्रॉ दी XY रेफरेंस लाइन मीन्स X एंड Y. ओके, अब डेटा में क्या बोला हुआ है, डेटा में आप देखो पॉइंट की सबसे पहले हमें क्या मार्क करना है, पॉइंट मार्क करना है. और पॉइंट की सिचुएशन क्या है, ए, तो ए इज 20 mm एबव दी HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP. ओके, एबव भी HP तो 20 mm आपको ऊपर मार्क करना है और इन फ्रंट बोला है मीन्स के नीचे मार्क करना है, यानी 20 ऊपर 10 नीचे. ओके, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, 20 mm ऊपर ले लूँगा. ओके, दिस इज तो दैट 20 mm एंड दैट योर 10 mm. ओके, नाउ ड्रॉ दी रेफरेंस लाइन. ओके, इट्स पैरेलल टू दी XY लाइन. ड्रॉ दी रेफरेंस लाइन, दिस इज पैरेलल टू दी XY लाइन. लेंथ ए भी बोला है मीन्स ए एंड दैट वन इज A'. ओके, और आपको पता है कि ये लेंथ ये लेंथ कितनी है, 20
और ये 10, ओके ओके। अब इसमें खास देखो, आपको थीटा वन थीटा टू भी नहीं दिया है, आपको थीटा वन थीटा टू नहीं दिया हुआ है, और फाइव वन टू भी नहीं दिया है, पर आपको सबकी लेंथ दी हुई है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए। हम आगे के एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि यहाँ से जो हम पॉइंट लेते थे, यहाँ से जो हम पॉइंट लेते थे, मीन्स कि यहाँ पे जो पॉइंट लेते थे और यहाँ पे जो हम आर्क ड्रॉ करते थे और इसको जो ज्वाइंट करते थे, तो ये क्या होता था? फ्रंट व्यू, ओके। तो यानी ये फ्रंट व्यू की लेंथ हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये फ्रंट व्यू की लेंथ हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ओके। या सेम चीज़ आप और कर सकते हो, आपको क्या दिया हुआ है? टू लेंथ, ओके। तो टू लेंथ कितनी हुई है? 65 mm, ओके। टू लेंथ कितनी है? 65 mm, ओके। तो आपको दूसरी बात एक पता थी कि यहाँ से टू लेंथ हो, ओके। तो टू लेंथ के लिए हम क्या करते थे? यहाँ से लाइन एक्सटेंड करते थे, ओके और यहाँ पे हम उसको ज्वाइंट करते थे, ओके। पर अभी कहाँ पे आएगा वो आपको पता नहीं है, वो कहाँ पे और एंगल होगा वो आपको पता नहीं है, ओके। सो ओके, आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको दिया है, और आपको पता था कि यहाँ से जो हम लाइन अभी मैंने दिखाया था, ये और ये, तो दिस इज़ योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज़ योर फ्रंट व्यू, द एंगल इज़ नॉट गिवन, सो आई मार्क द फ्रंट व्यू हियर, आई मार्क द फ्रंट व्यू हियर, ओके ओके क्लियर। दैट साइड आई मार्क द फ्रंट व्यू, एंड फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू डिस्टेंस आर 50 mm, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू डिस्टेंस आर 50 mm, तो आई मार्क देयर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ओके। आई जस्ट राइट ओनली योर पर्पस, दिस डायमेंशन इज, दिस डायमेंशन इज, ओके। ओके, रिमेंबर दैट दैट वन इज फ्रंट व्यू 50 एंड दैट वन इज टॉप व्यू 50, ओके। नाउ यू नो दैट इफ आई ड्रॉ द फ्रंट व्यू, द फ्रंट व्यू, दिस इज योर फ्रंट व्यू स्टार्ट पॉइंट एंड टू लेंथ, तो आई ड्रॉ दैट लाइन दैट वे, ओके क्लियर, दैट वे, ओके। अने यू नो दैट के दिस इज योर, दिस इज वी पी एंड दिस इज योर एच पी, ओके। आपको पता था हम क्या करते थे? यहाँ से फ्रंट व्यू ड्रॉ करते थे, ओके। तो जो टू लेंथ होती थी, तो टू लेंथ जो फर्स्ट प्लेन का जो एंड पॉइंट था, वहाँ से हम टू लेंथ दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट तक लेते थे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ा अपोजिट कर दिया, तो यहाँ से मैंने लाइन रेफरेंस ले ली, ओके। लाइन रेफरेंस ली है, आपको पता नहीं है वो कितनी है, ओके। बट आपको इतना पता है कि ये जो लाइन है, इसको कट कौन सी लाइन करेगी? टू लेंथ वाली लाइन कट करेगी। तो आपके पास टू लेंथ का माप है, तो टू लेंथ का माप कितना है? 65 mm, ओके। तो मैं क्या करूँगा, कंपास पे 65 mm डिस्टेंस ले लूँगा, ओके। आई टेक द डिस्टेंस 65 mm ऑन द कंपास, ओके। क्योंकि आपके पास लेंथ है, एंगल नहीं है, इसलिए आप थोड़ी ऑपोजिट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। यानी यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लूँगा 65 mm, ओके 65 mm, आई टेक द डिस्टेंस, ओके। और यू नो दैट दैट वन पॉइंट इज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द टू लेंथ इज कट दैट रेफरेंस लाइन, ओके। आप इसको कट करोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना, वो आपकी बी डैश। नाउ क्लियर, यू नो दैट द लेंथ इज 65 mm, ओके। तो आई जॉइन दैट वन, क्लियर, एंड दैट योर रेफरेंस लाइन, एंड दैट योर रेफरेंस लाइन, ओके। तो दिस इज योर ट्रू लेंथ, दिस इज योर, आई राइट दैट ट्रू लेंथ एल टू, ओके, एंड दिस इज योर 65 mm, ओके क्लियर।
क्लियर ओके. सेम थिंग यू डेट यू डू दैट अपर साइड, सेम थिंग यू डू दैट अपर साइड ओके. दैट वन योर लाइन आई एक्सटेंड इट ओके. मेजर दैट 65 mm. Okay, I measure the 65 mm and cut that line. Okay, this is your true length. Okay, why the true length L1 L2 are same? Clear? So I join that line. Okay, this is your point B, and this is your true length L1 is 65. Okay, you same thing. You draw a reference line here. Clear? Now you know that the front view, you know that the front view, and front view is 50 mm. You know that the front view, okay, you need the front view length and top view length. The front view length and top view length are 50 mm. Okay, so I take the compass distance 50 mm, and I mark the arc upward and downward direction. Okay, you know that. If you do that way, this is M point, this is N point. If you do that way, this is same. This point is same. Okay, but here length to a front view length and top view length are given 50 mm. So I take the compass and mark the distance. Okay, this is your B1. This point is your B-1. Okay. Now join that point. Okay, now join. That point. Okay, this is your front view length. Okay, and this is your top view length. Or you know that this is 50. This is also 50. Okay. Here we mark the data. Front view is given, top view is true length is given, true length L2 is given, and top view angle, top view length is given. Okay, here we find the angle theta 1, theta 2, phi 1, and phi 2. Okay, now here this is your true length L1. This is your true length L1. So here you mark there, you find the angle theta 1. Okay, and that is your front view length. Okay, that is your front view length. So here you mark, you find the angle phi 1. Okay, same, this is your true length, so you find the angle theta 1. Okay, and this is your top view. Okay, so you find the angle phi 1. Clear? Okay. Okay, this angle is 40 degrees, and this angle is your 47. Okay, means theta 1 is 40 degrees, and phi 1 is 47 degrees. Okay, here you measure the phi 1 and theta 1. Here you measure that one angle is your same 40 degrees. Okay, and that one angle is something like 48 degrees. Okay, means theta
सॉरी सॉरी दिस इज योर 40 मीन्स के थीटा वन इज योर 40 एंड थेट वन इज 48 मीन्स थीटा वन टू टू इज 40 एंड टोफ्यू एंगल इज 40 थीटा टू इज 40 एंड टोफ्यू एंगल इज 48 degree ओके ओके दिस इज योर सम डिफरेंट मेथड इफ यू जॉइन थेट इफ यू लाइक ओके सो हियर टॉप व्यू लेंथ ट्रू लेंथ लेंथ कंटिन्यू लेंथ ट्रू लेंथ लेंथ इज अ गिवन वी फाइंड दैट थीटा वन एंड सॉरी दैट वन इज थीटा टू तो थीटा टू एंड दैट वन इज फाइव टू सॉरी दैट वन इज फाइव टू ओके बाई मिस्टेक आई राइट दिस थीटा वन दिस इज योर थीटा टू एंड दैट इज योर 5 2 ओके क्लियर दिस इज योर फाइनल आंसर थैंक यू